स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के सिलेबस के बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने ट्वेल्थ का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। टेंथ का भी प्रैक्टिकल का सिलेबस मैंने डाला हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि बायोलॉजी का सिलेबस भी अपलोड करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो आपके सामने है, जिसमें टू एक्सपेरिमेंट आपको होगा, चार चार नंबर का, आठ नंबर का एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा वो। तो और एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हो, कौन कहाँ से दो एक्सपेरिमेंट पूछे जाएंगे, तो ये जो 21 आप सामने देख रहे हैं, 21 है, तो उसी में से आपको दो कोई भी दो एक्सपेरिमेंट्स कराया जाएगा और उससे आठ नंबर का क्वेश्चन होगा। स्लाइड प्रिपरेशन करना होगा आपको, वो पाँच नंबर का होगा। फिर उसके बाद स्पॉटिंग, ये सात नंबर का होगा। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स एंड वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स, तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स क्या है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जो तैयार करना है इसके रिगार्डिंग है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स। और इस पर ये जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे इसी पे आपको आपसे वाइवा पूछा जाएगा, तो वो भी पाँच नंबर का होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद रिकॉर्ड एंड वाइवा, तो जो आप ये दो एक्सपेरिमेंट जो आप करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा कॉपी में, और उसी पर आपसे वाइवा पूछा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट जो किया तो कैसे किया, वो सारी चीज़ें इस पर पूछी जाएंगी। और रिकॉर्ड पे भी और वाइवा दोनों मिला के आपको पाँच मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होगा इस बार। तो इसी अनुसार तैयारी करें और इस सब का आप थ्योरी एटलीस्ट देख लें। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं भी आता है तो आपको थ्योरी अगर पता रहेगा तो आप एटलीस्ट जो वाइवा है उसका तो आंसर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको सही लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको सिलेबस पता नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नए वीडियोज़ के लिए।